नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों को 20 अप्रैल से दी जाएगी कुछ छूट। सभी राज्यों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी कोरोना की जांच। मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल की गई टेस्टिंग मशीन। कोरोना संदिग्धों की जांच में आएगी तेजी। राज्य में पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री के जवान भी किए गए तैनात। आईटीबीपी, रैपिड रिस्पांस फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम के जवान शामिल। आईटीबीपी और रैपिड एक्शन फोर्स ने हल्द्वानी में किया फ्लैग मार्च। और घर घर जाकर कोरोना संदिग्धों की जानकारी जुटा रही हैं आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। सरकार को दे रही गांव मोहल्लों की पूरी जानकारी। कोरोना से बचाव के लिए भी कर रही जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने के साथ ही नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों को अनुमति दी गई है। ये अनुमति ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से लागू होंगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से घोषित संवेदनशील जोन से बाहर होंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक, खाद्य संबंधी आवश्यक दुकानें बिना किसी समय सीमा के खोली जा सकेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उद्योग भी खुल सकेंगे। इनके अतिरिक्त 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी। बिजली मैकेनिक, आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है। ऐसे लोग संवेदनशील घोषित किए गए क्षेत्र से बाहर सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं या जहां संबंधित नगर पालिका या नगर निगम के बाहर से मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वहां काम शुरू किया जा सकेगा। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। साथ ही माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किए जा सकेंगे। आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और मेडिकल या आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल, होमस्टे, लॉज और मोटेल काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ काम करते रहेंगे। केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि ये अनुमति 20 अप्रैल के बाद लागू होंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब जांच का दायरा बढ़ाने जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 37 पहुंच चुकी है। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा और हरिद्वार से कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जाँच की सुविधा उपलब्ध होने से जाँच में तेजी आएगी। देहरादून मेडिकल कॉलेज की लैब में RT-PCR मशीन भी इंस्टॉल कर दी गई है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि ICMR की सैद्धांतिक अनुमति मिल गई है। आदेश आते ही जांच शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए टेक्नीशियंस को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। देखिए, निश्चित ही इससे फायदा होगा और जो सस्पेक्टेड मरीज जिनकी सैंपल जो जाती है हल्द्वानी, अभी तक हम हल्द्वानी भेज रहे हैं और इसे लगभग 3 या 4 दिन लग जाते हैं हमें रिपोर्ट आने में। और अनावश्यक रूप से कई जो मरीज जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है बाद में और उनको अस्पताल में रुकना पड़ता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है, तो निश्चित ही इसमें सस्पेक्टेड मरीजों को पहचानने में, उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमें जल्दी ही जो है इसका निश्चित लाभ मिलेगा। प्रदेश में अब तक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, एम्स ऋषिकेश के अलावा देहरादून की एक निजी लैब में ये जाँच हो रही थी।
प्रदेश में पुलिस के साथ ही अब पैरामिलिट्री की भी तैनाती की गई है। इसमें आईटीबीपी, रैपिड रिस्पांस फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम के जवान शामिल हैं। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिले के रुड़की और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज से आईटीबीपी और रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। इन जगहों पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सतर्क किया गया और उनसे घर पर ही रहने को कहा गया। राजधानी देहरादून में क्विक रिस्पांस टीम और आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए हैं। इनको निरंजनपुर सब्जी मंडी चौक पर तैनात किया गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों के आधार पर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र और ताज चौराहे पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगाया है। इलाके का पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार और कुमाऊं कमिश्नर नीरज खैरवाल ने भी निरीक्षण किया। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हल्द्वानी में जो भी घटना हुई उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने जो नैनीताल जनपद के और कुमाऊं रेंज के अधिकारियों के साथ और जो वहाँ फोर्स है उसके साथ पूरे वनभूलपुरा क्षेत्र का दौरा किया और जैसा कि हमने बताया है कि अभी यहाँ पे कर्फ्यू लगा है परसों से, उसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाना है हर हालत में और कोई भी आदमी उसका उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पहले भी जो जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उसमें FIR दर्ज है और जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, जिन लोगों ने लोगों को भड़काया, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं कुमाऊं कमिश्नर नीरज खैरवाल ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र बनभूलपुरा में दौरा किया। इस दौरान कुमाऊं DIG, SSP, DM सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कर्फ्यू के हालात का जायजा लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर नीरज खैरवाल ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू वाले क्षेत्र में मेडिकल सुविधा सहित अन्य जरूरी चीजें डोर टू डोर सप्लाई की जा रही हैं। बच्चे और बुजुर्गों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा जिसके लिए DM और SSP ने कार्य योजना तैयार कर ली है। लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि बनफुलपुरा क्षेत्र में जैसे आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले कुछ पेशेंट्स यहाँ से जो कोविड के पॉजिटिव आए, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने, जो यहाँ के जिला अधिकारी और SSP की टीम ने बहुत ही अच्छे ढंग से जितने भी यहाँ पर मामले थे उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन सभी का टेस्टिंग वगैरह करवाया गया और पूरी हेल्थ की और जो पुलिस की टीम ने सभी ने बहुत अच्छे ढंग से किया। उसी के अंदर आप लोगों ने देखा कि कुछ मामला दो दिन पहले कुछ ऐसी एक घटना हुई, इस प्रकार की एक घटना कल जसपुर में छोटी सी हुई है, तो पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए आज हमारे DIG साहब के द्वारा उसका रिव्यू किया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने की इस जंग में जहां चिकित्सक दिन रात लगे हुए हैं, वहीं पुलिस और अन्य आवश्यक विभागों के लोग भी काम में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और गली मोहल्लों में लोगों के बीच पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी जुटाना आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा और ANM के जिम्मे है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में झंडी चौड़ पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रभा देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनको ट्रेनिंग दी गई थी और बताया गया था कि अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार या गले में खराश हो तो उसकी जांच पड़ताल के बाद उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संदिग्ध लगता है तो अस्पताल को जानकारी दें, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम वहां जाएगी और उस व्यक्ति की जाँच करेगी। मैं कल हमको स्वास्थ्य यहाँ पे हॉस्पिटल में झंडी चौड़ उतरे में बुलाया गया, तो उसमें हमें कोरोना वायरस के बारे में समझाया गया, तो बोला गया कि मतलब घर घर में जो भी लोग हैं बीमारी, जिन पे बीमारी है उनको हमारे पास सूचना दो, हमारे पास सूचना पहुँचा कि जैसे खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रही है, लंबी पसलियाँ चल रही है, तो इस बारे में जो भी सूचित है गाँव के अंदर तो उनको हमारे तक पहुँचाओ, अगर नहीं आते हैं तो हमको फ़ोन करके और हम तुरंत उनको स्वास्थ्य टीम के लिए भेज दिया जाएगा। झंडी चौड़ की ANM शशि भट्ट कहती हैं कि वे घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तरी झंडी चौड़ में विदेश से आए एक युवक और दिल्ली से आए एक युवक की उन्होंने जांच की, हालांकि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए। खुद भी हम घर घर जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं उनका सर्वे कर रहे हैं, वो कितनी तारीख को आए हैं और कहाँ से आए और किस साधन से आए हैं, यातायात का साधन क्या था, और फिर उनकी जांच हमारे जो हमारे स्वास्थ्य टीम है उनको हम बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, फिर वो हमारी जो स्वास्थ्य टीम है वो घर पर आ करके डॉक्टर साहब लोग जाँच कर रहे हैं इनकी और जाँच करके बता रहे हैं कि इनको कैसे रहना है।
आशा कार्यकर्ता ललिता चौहान कहती हैं कि ट्रेनिंग में उनको बताया गया कि जब घर घर जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें और साथ ही अपनी और दूसरे की सफाई का भी ध्यान रखेंगे। वे समय समय पर लोगों को सामाजिक दूरी और सफाई के बारे में भी बता रही हैं। हमें यही बताया कि ये COVID-19 जो ये वायरस चल रहा है तो ये एक संक्रमण है, इसमें मतलब आपस में दूरी बना के रखें और हाथ नहीं मिलाना, खांसना छींकना, खांसी जुकाम वगैरह इसके लक्षण ना। परिवार वालों से यही पूछ रहे हैं पहले कि कौन बाहर से आ रखा है, कौन अपने क्षेत्र में है ना, बाहर से जो कोई आ रखा है फिर उसके बाद घर में किसी को खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है। जब हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम उनको बाहर गेट पे बुला रहे हैं, दूरी बना के रख रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं हम, बस अपनी सेफ्टी भी रख रहे हैं, उनको सेफ्टी करने के लिए भी बोल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के साथ साथ गांव मोहल्लों में आए प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी आशा, आंगनबाड़ी और ANM ही सरकार को दे रही हैं। लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों और अन्य लोगों के लिए चमोली जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। कोरोना संकट के चलते मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में गरीब और मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से उनको राहत मिल रही है। योजना के तहत प्राथमिक परिवार और अंत्योदय के लाभार्थियों को अप्रैल माह से निःशुल्क 5 किलो प्रति यूनिट चावल दिया जा रहा है। जिले में अब तक 7,000 क्विंटल चावल का वितरण किया जा चुका है। जिला पूर्ति अधिकारी KL शाह ने बताया कि जनपद में NFSS और अंत्योदय के सभी लाभार्थियों को इस योजना के तहत अप्रैल, मई और जून महीने का राशन वितरित किया जाएगा। जनपद चमोली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 780 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से NFSS एवं अंत्योदय राशन कार्डों के 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से लगभग 7,000 क्विंटल चावल का वितरण किया जा चुका है आज तक। लॉकडाउन के दौरान हर नागरिक की आर्थिक सुरक्षा का केंद्र सरकार ध्यान रख रही है। ऐसी ही एक योजना किसान सम्मान निधि है, जिसके तहत केंद्र सरकार किसानों के खातों में 2,000 रुपए की धनराशि डाल रही है। चंपावत जिले में इस योजना के तहत अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में किसानों के खातों में 2,000 रुपए की 5वीं किश्त पहुंच गई है। मुख्य कृषि अधिकारी राजेंद्र उपरेती ने बताया कि जिले में 34,000 से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए अप्रैल में किसानों के खातों में 5वीं किश्त डाल दी है। इससे किसानों को फसल आदि की कटाई में काफी मदद मिल रही है। पंजीकृत हुए हैं उनमें से अधिकतर किसानों को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त पहले ही प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा जिन किसानों को किसी कारण से PM किसान सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो पाई है, उन किसानों के करेक्शन का कार्य किया जा रहा है। उनके आधार और बैंक खाते में जो त्रुटियां थी वो हमारे स्तर से सही करके और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सही करके हम उसको करेक्शन कर रहे हैं। उन किसानों के खाते में भारत सरकार द्वारा PM किसान सम्मान निधि ट्रांसफर की जा रही है। इसके अलावा 5वीं किस्त जैसे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ही लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए घोषणा करी थी, तो 5वीं किस्त भी निर्बाध रूप से सभी पात्र किसानों को प्राप्त हो रही है। वहीं जिले के मैदानी इलाकों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। किसान खीम सिंह ने बताया कि किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त उनके खाते में आ गई है। ये धनराशि इस समय उनके लिए काफी मददगार साबित हुई है। ऐसे ही जिले के कई किसान सम्मान निधि की धनराशि पाकर राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने इस विकट परिस्थिति में समय से पहले उनके खातों में पैसे डालकर बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री जी ने ये किसानों को के लिए जो 2,000 रुपया हर उसमें जो दे रखी है किसान निधि, बहुत अच्छी योजना है। इससे हमारे जो हमारी फसल हो रही है ये, इसमें लेबर का खर्चा आता है और इसमें खाद बीज के लिए हमें उस समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना दे रखी है ये। प्रधानमंत्री जी ठीक कर रहे वही हो जो 3-3 महीने में 3,000 रुपये आ जाने कागज मत लीजिए आगे सुन जो 5वीं किस्त बैंक जावे रहे। हम गेहूं की कटाई कर रहे हैं, हम सब लोग 1-1 मीटर की दूरी बना के गेहूं की कटाई कर रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को बचाने के।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूरी चीजों में शामिल है। लोगों को मास्क उपलब्ध कराने का जिम्मा कई सामाजिक संस्थाओं ने भी उठाया है। उन्हीं में से एक संस्था है टिहरी जिले की माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन दौड़ी। संस्था मगरो पोखाल में मास्क बना रही है। टू लेयर मास्क बनाने के लिए माउंट वैली संस्था के कर्मचारियों ने अपने वेतन का कुछ हिस्सा दान कर दिया। मास्क बना रही सीमा देवी कहती हैं कि एक दिन में करीब 200 मास्क बना लेती हैं। मैं सीमा देवी और हम लोग यहाँ पे मास्क बना रहे हैं। एक दिन में मतलब 2 शिफ्ट में बना रहे हैं और मैं एक दिन में मतलब 100 तक बना रही और 2 शिफ्ट में 300-400 तक बन रहे हैं एक दिन में मास्क। और सरकारी कर्मचारियों के लिए मतलब ये दिए जा रहे हैं। हनास टेपेलियन और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से संचालित महिला कौशल विकास और उत्पादन सेंटर मगरो पोखाल में प्रशासनिक, पुलिस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा स्थानीय गरीब लोगों को भी मास्क निःशुल्क दिए जा रहे हैं। एसोसिएशन में काम कर रही ममता बताती हैं कि महिलाएं एक दिन में करीब 350 मास्क बना लेती हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग मास्क बना रहे हैं। हम यहाँ पर 6-7 महिलाएं सुबह काम करती है और 5-6 महिलाएं हम शाम को काम करती है। मैं एक दिन में 100 मास्क बनाती हूँ और हम टोटल महिलाएं मिल करके 350-400 मास्क बनाते हैं, जिससे हम लोगों को यहाँ हमारे जो माउंट वैली का गेट है उसके अंदर किसी को आने नहीं दिया जाता है। हर 30 मिनट में हम लोग हाथ धोने के लिए बाहर जाते हैं, सैनिटाइजर करते हैं। संस्था से जुड़े नवप्रभात ने बताया कि पहले चरण में 5,000 मास्क बनाए जा रहे हैं। संस्था का लक्ष्य 20,000 मास्क बनाने का है। उन्होंने बताया कि मास्क बनाने में पोखाल क्षेत्र की महिलाएं, 2 मास्टर ट्रेनर और माउंट वैली एसोसिएशन के कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो सरकार की गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, वो सारी ध्यान में रख के ये चीज़ें की जा रही हैं। हम कल एसटीएम ऑफिस से कुछ सैनिटाइजर लाए थे और वो यहाँ पे पूरा छिड़काव किया जा रहा है। हर तीसरे दिन इसमें छिड़काव किया जा रही है। जो भी कार्यकर्ता आता है यहाँ पे, जो कार्यकर्ता प्लस जो लोग हैं वो लोग सब आते हैं और हर 30 मिनट में ये हाथ धुलने का हमने रखा हुआ था। यहाँ पे बाहर पे आके हाथ 30 मिनट में हाथ धुले, 1 मीटर की दूरी। जहाँ पे हमारी एक कमरे में 7 आदमी बैठते थे वहाँ पे हमने सिर्फ 4 लोगों को बिठा रखा, कहीं 3 कहीं 4 लोगों को बिठा रखा, कुछ हमने बाहर बरामदे में लगाई है। तो डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये सारे कार्यक्रम माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन के तहत हो रहा है और इसमें हमने माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन, शहनाज टेपेलियन वुमेन एम्पावरमेंट फंड और अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों को 20 अप्रैल से दी जाएगी कुछ छूट। सभी राज्यों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। दून मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी कोरोना की जांच। मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल की गई टेस्टिंग मशीन, कोरोना संदिग्धों की जांच में आएगी तेजी। राज्य में पुलिस के साथ ही पैरा मिलिट्री के जवान भी किए गए तैनात। आईटीबीपी, रैपिड रिस्पांस फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम के जवान शामिल। आईटीबीपी और रैपिड एक्शन फोर्स ने हल्द्वानी में किया फ्लैग मार्च। और घर घर जाकर कोरोना संदिग्धों की जानकारी जुटा रही हैं आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। सरकार को दे रही गाँव मोहल्लों की पूरी जानकारी, कोरोना से बचाव के लिए भी कर रही जागरूक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।